अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं नीला रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की व्लॉग है मेरे फादर के बारे में, मेरे पापा के बारे में। उनको जो है वो इमिग्रेशन उनका हुआ है US, तो वो आज जा रहे हैं, उनकी फ़्लाइट है, तो हम उनको रुख्सत करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ रहिए और मिल के मेरे साथ उनको रुख्सत कीजिए। अच्छा जी, ये पप्पा के दोनों सूटकेस जो है वो मैं ले आई हूँ अपने घर, क्योंकि हमारा घर है नीचे, उनका घर है ऊपर, तो अब स्टेयर से नीचे लाने में प्रॉब्लम होती। अब मैं कर रही हूँ एक दफ़ा सामान फ़ाइनल चेक, हम उसको पैक करेंगे और उसके बाद फिर करेंगे उसको बंद। आज की फ़्लाइट है। पप्पा के सामान में निकली है ये 2008 की डायरी, उन्होंने संभाल के रखी हुई है और इसमें यकीनन उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, तो मैं उसको रीड नहीं करूँगी। मैं उसको एज इट इज़ बंद कर रही हूँ वापस। ये हमारे बुज़ुर्ग भी ना। ओके, आई एम गेटिंग इमोशनल। सूटकेस हो गया है पैक, एक सूटकेस ऑलरेडी पैक्ड है जो पहले ही पैक कर लिया था, और सामान फैला हुआ है, जो नहीं रखना था वो निकाल लिया गया है, बाकी ज़रूरी चीज़ें रख ली हैं। दवाइयाँ जा रही हैं साथ उनकी, और दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शंस जा रही हैं साथ। ऑब्वियसली ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये उनकी सारी दवाइयाँ हैं, ये उनकी प्रिस्क्रिप्शन है दवाइयों की। आप लोग भी ये चीज़ याद रखें, जब भी दवाइयाँ मेडिसिन लेके जाएं इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन लाजमी होनी चाहिए, ताकि किसी किस्म का कोई इशू नहीं हो एयरपोर्ट पे। ये है जनाब दूसरा सूटकेस, इसमें मोस्टली गिफ्ट्स हैं, कपड़े हैं, इसमें भी मेडिसिन हैं। एक स्लिप हम प्रिस्क्रिप्शन की इन वाली मेडिसिन के साथ भी रखेंगे। हम मम्मी के यहाँ जा रहे हैं पापा का फेयरवेल डिनर के लिए। पाकिस्तान बने हुए कितना टाइम हुआ है? ठीक है, तो है? हमारे पर रूल्स किसके थे? ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल भी जो था वो ब्रिटिश क्वीन का ही था, वो हुई थी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटिंग खलीफा। दैट वाज नहायत रिलेवेंट डिस्कशन के बाद फाइनली खाना लग गया है, यमी यमी फूड बाय अम्मी, और अब हम खाना खाएंगे, खाना एंजॉय करेंगे सब बैठ के। आइडिया कि वी पीपल मस्ट सेलेक्ट और मे बी इलेक्ट एनी पर्सन टू रूल ओवर अस। पापा हमारी पैकिंग का नाकदाना जायज़ा लेते हुए और राजी एड्रेसेस वगैरह लिखते हुए सूटकेसेस के ऊपर। इसके बाद फिर हमने निकल जाना है, 12:30 बज रहे हैं ऑलरेडी एंड वी हैव टू लीव। अच्छा जी, हमारी शाही सवारी निकल चुकी है, हम पापा को एयरपोर्ट सी ऑफ करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं एयरपोर्ट पर, ज़्यादातर लोग अलाउड नहीं हैं। तो जस्ट मैं और राजी पापा के साथ हैं और हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। पापा रेडी हैं आप जाने के लिए? रेडी हैं जाने के लिए? जाने के लिए रेडी हैं? पापा चले गए हैं डिपार्चर में, और की जो है वो बोर्डिंग वगैरह चल रही है, हम यहाँ पर बैठे हुए वेट कर रहे हैं, जैसे ही कॉल आएगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। पापा की बोर्डिंग हो गई, इमिग्रेशन हो गई, सारी चीज़ें हो गई थी, और जो है हमने उनका वेट किया थोड़ी देर तक, फिर उनके पोर्टर से और उनसे ख़ुद से भी बात हो गई हमारी, तो हमें पता चल गया कि जो है वो अब बस वो प्लेन में जो है वो जा रहे हैं। सो कनेक्टिंग फ़्लाइट है उनकी, आप सभी बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि वो साथ खैरियत के पहुँच जाएँ, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी फॉर लाइक 20 आवर्स का सफ़र है, और ही इज़ एजड पर्सन। आप सब दुआ कीजिएगा वो साथ खैरियत के जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँ, और वहाँ से हमें जो है वो हंसी खुशी कॉल करें, हम उनकी कॉल का वेट करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम। अनिरा साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।